भारत सरकार और हमारे भिवंडी के लाडले खासदार, इनके जन्मदिन पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और कपिल पटेल फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने उनके जन्मदिन पे आने वाले 3 तारीख को पद्मानगर मेरे कार्यालय के सामने वहाँ पे एक बहुत बड़ा महाआरोग्य शिविर का आयोजन किया है। उस शिविर के लिए SMBT जो नासिक में स्थित इगतपुरी में जो हॉस्पिटल है उनके तरफ से, उनके संयोजन से और हमारे तेलुगु डॉक्टर एसोसिएशन के सहयोग से ये बहुत बड़ा महाआरोग्य शिविर होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं द्वारा ये जो शिविर का आयोजन किया है, मुझे लगता है इस भिवंडी शहर में, भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में या थाने जिला में ऐसा एक भी लीडर नहीं कि कार्यकर्ताओं द्वारा उनके लिए, उनके जन्मदिन पे गरीब लोगों के लिए, जो गोर गरीब जनता है, जो गोर गरीब लोग हैं जिनको इलाज के लिए पैसे नहीं, ऐसे लोगों के लिए हम लोग ये सेवा देने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भिवंडी वासियों ने चढ़ बढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। इसमें बहुत अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट्स है, उसमें बहुत अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट आने वाले हैं। तो मुझे लगता है भिवंडी शहर में पहली बार ऐसे इक्विपमेंट और ऐसे जो चीज़ें जो पहली बार भिवंडी में आ रहे, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लेके ये महाआरोग्य शिविर सक्सेस करने के लिए सभी भिवंडी वालों का सहयोग लगेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों का आह्वान करूँगा कि आने वाले 3 तारीख को सुबह 9 से 5 बजे तक ये शिविर का आयोजन कार्यकर्ताओं ने किया है, तो आप लोग भी इसमें ज़रूर आइए। मैं सभी पत्रकार बंधु, सभी भिवंडी वासियों को, सभी को मैं निमंत्रित करता हूँ। देखिए, इसमें जो भी पेशेंट रहेगा जिसको कुछ बीमारी डिटेक्ट होती है तो उसका ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कपिल पटेल फाउंडेशन और SMBT फाउंडेशन की तरफ से किया जाएगा। उसके लिए पूरा सहयोग और पूरा फॉलोअप कपिल पटेल फाउंडेशन वैद्यकीय सेवा जो टीम है, वो पूरी टीम उसका फॉलोअप लेके उनका ऑपरेशन करने का जिम्मा भी हम लोग उठाएंगे। और हमारे रंजीत जी म्हात्रे, उनके तरफ से भी एक प्रोग्राम है जो महाराष्ट्र स्टेट लेवल के जो बॉडी बिल्डिंग की कंपटीशन हम वहाँ पे, हमारा जो गांव है दीवा गांव में, वहाँ पे रखने जा रहे हैं। तो मैं सभी जो बॉडी बिल्डर और सभी बॉडी बिल्डर प्रेमी उनको आह्वान करूँगा कि आने वाले 5 तारीख को वो वहाँ पे पधारे। शाम को 6 बजे से वो शुरुआत होने वाली है और उस प्रोग्राम के लिए प्रमुख उपस्थिति हमारे